आइए व्यूअर्स, एक बार फिर वेलेमुंडे ने अपनी वाइफ की पिक्चर ले कर दी। मैंने ये शॉर्ट चलाए हैं और अभी चेयर को कर लेती हैं यहाँ पर ना, क्योंकि अब साइड से सारे जो है ना गले वो ऐसा ऐसा चलाते रहेंगे। तो ये मामला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों करता है, ये क्यों करता है वीडियोस और पिक्चर के क्लिप जो ये साथ चल रहे हैं, इनको वायरल करने का कोई मकसद होगा, ये किस लिए करता है, क्यों करता है, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये वायरल हुआ, झोपड़ी वाले जो गरीब होते हैं उनके घर जाता था, उनकी औरतों को सरायकी का मिसाल है ना, जिस तरह कि ये तरह ना नचा नचा के उठते हैं, ये भी उसी तरह है। इसमें औरतें नचा नचा करना ये ऊपर आया, और अब झोपड़ी वालों को भी मुझे लगता है कि उनको भी गहरत आ गई है कि उन्होंने इसको साफ इनकार कर दिया है कि आपने मेरे भाई यहाँ पर आकर हमारी औरतों की वीडियो नहीं बनानी। तो ये सोचता होगा कि आप मेरे व्यूज का पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, कम आ रही है। और फिर ये सोचता होगा कि अब मैं क्या करूं। तो इसने एक न्यू फिल्म रचाई हुई है कि आए रोज एक वीक बाद, डेढ़ वीक बाद ये अपनी वाइफ की जो है ना शॉर्ट सा क्लिप दे देता है और फिर उसको ये अपने ब्लॉग में कहता है कि मेरी वाइफ का जो है ना वो चेहरा लीक हो गया और ये उसकी वीडियो है, तो मैं इसके लिए माजरत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये उस टाइम जो है ना देखने वाले उनका माइंड चेंज कर रहा होता है कि ये जाएं किसी तरह और उस वीडियो को जाकर उसमें से वो कट निकालें और देखें कि वो कौन सा वीडियो थी, वो वीडियो फुल वॉच करेंगे, वो वीडियो को फिर बैक करेंगे, वो क्लिप ढूंढेंगे, इस तरह इसके व्यूज भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेगा और इसको वहां से अर्निंग होगी। तो ये मकसद है सारा, जिस तरह ये पहले उनसे लेता था झोपड़ी वालों से, और उसके बाद जिसने जो अब काम रख लिया है वो ये है कि ये अपनी वाइफ को दिखा दिखा कर पैसे लेता है और ये सारा दिन घर में बैठा रहता है और इसने यही अपना कारोबार बना लिया कि जो इसके दरवाजे पर आता है उससे ये पहले डिमांड करता है कि 60 से 70 हजार रुपया अगर आपकी जेब में है तो ये वहां पर लोगों की जेबें काट रहा है, 60 से 70 हजार रुपया अगर आपकी जेब में है तो आप आए वरना आप यहाँ से चले जाए। तो ये है इसकी असलियत। अब ये जिस काम पे लग गया है ना, जिस तरह जैद मस्तूई ने आवाज उठाई है, जिस तरह मैं उठा रहा हूँ, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बाकी तमाम यूट्यूबर भी इसी तरह आवाज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और रिजवान भी किसी से कम नहीं है, और जो है इसका भाई बगड़ बिल्ला वो तो पिछले दिन एक ब्लॉग चल रहा था उसमें काफी पैसे ले रहा था, पता नहीं वो क्या माजरा है जिससे वो इतने पैसे ले रहा था। अब आपने ये भी काम, अच्छा आप एक मेरी बात माने, अब आप ये करें बगड़ बिल्ला है ना वो भी जिस तरह ले रहा है, करें कि महक मलिक जो है ना उससे भी आप रब्ता कर लें और उसके साथ जाएं आप स्टेज करें, स्टेज पे आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी और अपनी वाइफ को भी साथ ले जाएं। और तो व्यूअर्स इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।